शिवपुरी जिले में पाल बघेल गड़रिया समाज ने अर्ध घुमक्कड़ के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाने को लेकर जनसुनवाई में शिवपुरी कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से नेपाल सिंह बघेल ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने 2018 में कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ की सूची क्रमांक 30 में दर्ज धनगर जाति की उपजाति के रूप में शामिल किया था, जिसका गजट नोटिफिकेशन भी राज्यपाल के हस्ताक्षर की बात हो चुका है। फिर भी जिले की कई तहसीलों पोहरी, करेरा, पिछोर, कोलारस और कन्याधाना में पत्रों को निरस्त किया जा रहा है। पाल समाज के लोगों ने कलेक्टर से भी सभी एसडीएम और तहसीलदारों को प्रमाण पत्र बनाने का आदेश देने को कहा, जिससे सभी के प्रमाण पत्र बन सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो समस्त पाल बघेल गडरिया समाज आंदोलन करेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। सरकार ने 2018 में अर्ध घुमक्कड़ समाज की सूची में शामिल किया, लेकिन 18 से 2023 लग गई, 5 साल में समाज की अर्ध घुमक्कड़ के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे। ये गलत बात ये फैलाई जा रही है कि समाज को एससी एसटी में शामिल हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। एससी एसटी में शामिल नहीं हो रही, बस कुछ सुविधाएं समाज को प्रमाण पत्र से मिल जाएंगी और ये प्रमाण पत्र नहीं बनना, इसलिए उन सुविधाओं से समाज दूर होती जा रही है। जैसे राशन पर्ची, आयुष्मान कार्ड, एक दो सुविधाएँ बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी यहाँ ना तो राज्यपाल के आदेश को माना जा रहा, ना पुराने कलेक्टर जो अनुग्रह पी थी उनके आदेश को माना जा रहा। लगातार गजट की भी अनदेखी की जा रही है, मुख्यमंत्री के द्वारा भी हमने एक दो बार आदेश निकलवाए, उसकी भी यहाँ पर तहसीलदार स्तर पर सभी तहसीलों में तहसीलदार एसडीएम सब अनदेखी कर रहे हैं, लगातार निरस्त कर रहे हैं। हमारे आदमी की एक आवेदन में खर्चा करने में 500 रुपये कम से कम खर्च होते हैं, 10-10 बार लोगों ने आवेदन कर दिए, लगातार निरस्त हो रहे हैं, रसीदें हैं लोगों के पास। अभी हमने इस बारे में कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया, लेकिन उन्होंने एसडीएम पौरी को फ़ोन किया, फिर बोले कि हम देखवाते हैं। ऐसे हम 8 से 10 बार आवेदन जनसुनवाई दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने दिनों से परेशान हो रहे हैं? 5 साल हो गए ना, बता तो रहे हैं। 2018 में आदेश हुआ था, सितंबर में आदेश हुआ था और 23 चल रही है, दूसरे चुनाव आ गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अगर सरकार ये कह देना कि हमने झुंझुना दिया था उस समय, तो झुंझुना मान के हम घर बैठे। चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या आपका रुझान रहेगा? चुनाव नजदीक आ रहा है, नहीं बने प्रमाण पत्र तो हम जिस चुनाव में लोगों से अपील करेंगे कि आपके काम नहीं हो रहा तो क्यों वोट दे रहे हैं? क्यों वोट देंगे? तो बहिष्कार ही मानो उसको। जिन लोगों का प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे वो बेचारे के साथ वोट देंगे, उनको सुविधाएं मिलेंगी, राशन पर्ची बनेगी, उन चीजों की संख्या है। शिवपुरी में भी हर विधानसभा में 10 से 15 हजार के लगभग हैं। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।